हेलो एवरीवन, आज अब करेंगे क्लास 7 द चैप्टर नंबर 9 अ बाईसाइकिल इन अ गुड रिपेयर विच इज़ रिटन बाय जियॉर्न के जियॉर्न। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स वी हैव अ प्री रीड। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड द बाईसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मशीन शुड बी ओवरहॉल इट। But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? So कहते कि अगर तुम किसी लंबी बाईसाइकिल राइड पर जाना चाहते हो तो बाईसाइकिल एक बड़ी कंडीशन के होनी चाहिए आ। ओवरहॉल का मीनिंग होंगे थ्रू एग्जामीनेशन। थोड़े को एक एक्सपर्ट होना चाहिए जोड़ा कि थोड़ी सारी मशीन चेक करे तो थोड़ा दसे कि एक वधिया कंडीशन दे विच है। लेकिन अगर मशीन अपनी मर्जी खुद करे, इस पूरे चैप्टर के बाईसाइकिल मशीन के नाल डिनोट किया गया वा, तो कहते कि होगा जो मकैनिक है तो उन्हें उस बाईसाइकिल रिपेयर करने बारे कुछ ना पता हो वापरदा है। इस वाली वीडियो के सिर्फ जो पिक्चर दी गई वो सिर्फ डायलॉग्स दिए गए हैं, अगर जो भी होगा मैं थोड़ा वो खुद रीड करके दसागी। सो लेट स्टार्ट। अ मैन आई न्यू प्रपोज वन ईवनिंग वी शुड गो फॉर अ लोंग बाईसाइकिल राइड टूगैदर ऑन फॉलोइंग डे एंड आई एग्री। ये अपनी लैसन का हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट जिन्हों कहने हैं, तो ये उदा फ्रेंड है जिहड़ा कि उन्हें रेकमेंड करते हैं कि आप एक लोंग बाईसाइकिल राइड पर चलेंगे। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ। ही कम हाफ एन आवर लेट, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। इट वॉज अ लवली डे। कहते कि मैं सुबह जल्दी उठ गया, तो तैयार हो गया, तो मैं वो गार्डन के बैठा होया इंतज़ार कर रहा सी। ते दिन बहुत सुहावना सी, ते ओ जड़ा सी लेट सीगा, इस करके मैं वो वेट कर रहा सी। दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। सो उस तो बाद वो बंदा जड़ा जिस नाल उसने राइड पर जाना है वो आ जाता है, तो उसने कहता है कि तेरी बाईसाइकिल तो बड़ी सोहनी दिख रही है, तो किदां चलती है। ओके Like the most of them, I answered easily enough in the morning and get a little stuff after lunch. तो उस तो बाद बच्चा कहता है कि वधिया चलती है, लेकिन सुबह सुबह बिल्कुल वधिया होंदी है, लेकिन शाम तक इसमें चलाना थोड़ा मुश्किल होंदा है। Then he got hold it by the front wheel and fork and shock it violently. तो उस तो बाद जो बच्चा है वह भी जो उस राइड पर जाने वाला है वो की करता है, उसनों फ्रंट व्हील तो पकड़ता है तो उन्हें चंगी तरह हिला के वेखता है कि की प्रॉब्लम है, शाम तक उसनों की हो जाता है। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। तो उस तो बाद जरा जिसकी साइकिल होंगी वह बच्चा कहता है कि तुम उसमें इदा ना हिलाओ, तुम उसमें नुकसान पहुँचा दोगे। आई डोंट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम। डिसाइड इफ इट वॉन्टड टू शेक, आई वॉज द प्रॉपर परसन टू शेक इट। तो बच्चा कहता है कि मैं समझ नहीं सी आ रहा कि उसने इसनों क्यों हिलाया, ठीक है, कि की प्रॉब्लम से जिस वजह करके उसने साइकिल को हिलाने की लड़ पई। जेकर साइकिल के कोई प्रॉब्लम भी सी तो साइकिल मेरी है तो मैं देखा ना तो की करना की नहीं करना, उसने मेरी साइकिल में इन्ना जोर जोर से क्यों हिलाया। आई फेल मच एज आई शुड हैड स्टार्टेड वॉकिंग माई डॉग्स। कहते इस तो पहले कि मैं कुछ कर पाँगा मेरे कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट कर दिता। ही सैड दिस फर्स्ट फ्रंट व्हील बॉब्स। तो वह बच्चा की कहें साइकिल में हिला के कहें कि जो पहला सामने वाला टायर है ना, ये थोड़ी जी प्रॉब्लम है। आई सैड इफ डजन यू डोंट वॉबल इट, आई डोंट वॉब, सो आई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग विच कॉलिंग आ वॉब। वॉबल की होंगी मूव सडनली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब किसी चीज़ में फट के जोर जोर दी हिलाना। तो बच्चा कहता है अच्छा इस कोई प्रॉब्लम है, कहते कोई गल नहीं मैं इसको खुद ब खुद ठीक करवा लाँगा या इस बारे बाद में सोच लवाँगा। ही सैड दिस इज़ डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर। तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं ये चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है, आप एक राइड पर जाना है, अगर तू इस हूँ ही ठीक नहीं किया तो तेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इस करके जेकर तेरे को हैमर हैगा तो उन्हें ले आ, ठीक है। आई ऑट टू हैव बीन फॉर्म बट आई थॉट दैट
Perhaps he really did know something about the business. कहते पहला मैंने शक होया लेकिन फिर मैंने लगे कि शायद उसमें साइकिल ठीक करने वाली सारी नॉलेज होएगी. I went to the tool shed to see what I could find. और टूल शेड के जाते हैं तो उतो सारिया जी भी उन्होंने टूल्स मिलते हैं लेके आ जाए. When I come back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. कहें जब मैं वापस आया सी इन दिस पिक्चर कहते कि वह ग्राउंड पर बैठा हुआ सी जड़ा एक व्हील सी दोनों पैरों के विचाले सी. He was playing with it. वो वे खेल लिया सी. Twiddling it round between his fingers, he reminded of the machine was lying on the gravel path beside him. रिमांडेड मतलब कि वो कोशिश कर रहा सीगा अपने हाथों के नाल अपनी फिंगर्स के नाल कि इसके कुछ पार्ट्स नूं अलग अलग कर सके. ही सैड इट लुक्स टू मी एज इफ द बीरिंग वर ऑल रोंग. बीरिंग मतलब बॉल रिंग्स जिहड़ियां कि उहदे छोटे छोटे बॉल्स लगियां हुंदियां ने टायर दे विच. ते वो बच्चा जिहड़ा है बोलदा है कि मैनूं लगदा है कि इहदे टायर दे विच थोड़ी प्रॉब्लम है. Then अपना प्रोटोकॉनस कहता है डोंट यू ट्रबल आउट अबाउट इट एनी मोर यू विल मेक योर सेल्फ टायर लेट अस पुट इट बैक एंड गैट ऑफ. तो बच्चा कहता है कि कोई गल नहीं अगर इस कोई प्रॉब्लम है तो तुम उस बारे बॉदर ना करो अपने आप को ट्रबल ना दो मैं इसको अपने आप बाद में ठीक करवा लाँगा तो तुम इसको दोबारा जिस तरह से उस तरह फिक्स कर दो. He said, we may as well see what is the mattering with it and now it is out. He talked as though it had dropped out any accident. तो उस तो बाद वो बच्चा कहता है कि अगर असी इस मैटर नो हुणी सॉल्व नहीं किया तो इस साइकिल दे नाल कोई एक्सीडेंट हो सकता है. Before I could stop him, he had scrawled something somewhere and out rolled over the path some dozen and oh so little balls. कहते कि इस तो पहला कि मैं उसनों रोक सकता उसने मेरे गल करते करते ही उस साइकिल दियाँ सारिया जड़िया स्मॉल बॉल्स थी उसनों धरती के उपर बिखेर दिता. कौचम कौचम वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ दैम. तो उस तो बाद की जड़िया सारिया बॉल्स ने वो धरती के उपर खिड़निया शुरू हो जाती है. तो बच्चा जिहड़ा वह वड्डा बच्चा उसकी साइकिल ठीक करके रहा हुंदा है वो कहिंदा कि इन्हां नूं फड़ो फड़ो इन्हां च कोई भी कुम्मणी नहीं चाहिए. Those balls have must be important. He was quite excited about them. तो बच्चा सोचता है कि हाँ हाँ एक बॉल्स कहते हो सकता है वो लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने इस करके इन्ना ज़्यादा एक्साइटेड है इन्हों बॉल्स में लैके. वी ग्रोल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16. कहते कि असी अद्धा घंटा तक लभदे रहे तो सानू 16 बॉल्स जड़िया मिल जाती ने. He said he hoped we had got all of them because if not it would make a serious difference to this machine. I put them for safety in my hat and it was not a sensible thing to do and I admit. कहते कि उस बच्चे ने कहा कि मैं उम्मीद है कि आप सारिया बॉल्स लभनिया होनगियाँ अगर नहीं लभिया तो इस मशीन को बनाने के दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है. कहते इस करके मैं सेफ्टी दे ली उन्हां सारिया बॉल्स में अपनी हैट के रख लिया. कहते कि मैं पता सी एक सेंसिबल चीज़ नहीं है मैं एडमिट करदा हाँ लेकिन फिर भी फॉर सिक्योरिटी मैं ये करना पै रहा. ही दैन सैड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगिन टॉकिंग ऑफ द गियर कीज. कहते उस तो बाद वो चेन बारे गल कर लग गया कि उस तो बाद गियर कीज के बारे. I did try to dissuade him from that. I told him what had experienced friend of mine once said to me soulmately. कहते कि मैं उसनों रोकने की कोशिश की एक गल कह के लेकिन उसने मैनू रिफ्यूज कर दिता. वो कहीं गल कही सी इफ एनीथिंग गोज रोंग विद योर गियर केस सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन इट बिकम्स चीपर. कहते कि मेरे एक फ्रेंड ने मैंने कहा कि अगर थोड़ी मशीन के गेयर केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस मशीन को बेच देना चाहिए क्योंकि उस तो बाद जी मशीन है बिल्कुल ही चीप हो जाती है उस तो बाद कोई भी यूजेज नहीं रहता. दैन वो बच्चा आंसर करता है पीपल टॉक लाइक दैट हू अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गेयर केस. कहते कि जिहड़े लोगों को मशीन बारे कुछ नहीं पता होंदा वो लोग इह जिहियां गल्लां करदे ने लेकिन मेरे लिए गियर केस नूं कढ़ना सब तो ज़्यादा आसान है. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज डाइड इन लैस दैन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसिस लाइंग ऑन द पार्ट एंड वॉज ग्रोलिंग फॉर स्क्रूज. ही सैड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपेयर. कहते कि उसने इन्ने कॉन्फिडेंस ने कहा कि मैनू उसकी गल नूं मनना ही पिया लेकिन
5 मिनट तो घट समय के ही उसने गेयर दो हिस्सों के कर दिता सी। तो कहता है कि वह कह रहा है कि जिस तरह इसके व्हील्स जोड़े ने स्क्रूज जोड़े ने गुम रहे हैं तो इस चीज़ को मिस्टरी मान रहा है। कॉमन सेंस कॉलिंग टू विस्पर मी स्टॉप हिम बिकॉज बिफोर ही डज नॉट एनी मोर मिसचीव्स यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ ल्यूएनिक टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ एंड द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। कहते कि मेरी कॉमन सेंस मैं कह रही थी, मतलब कि वो दिमाग से कदे कदे गल आ रही थी कि मेरी कॉमन सेंस मैं कह रही थी कि मैं इस इंसान को रोकना चाहिए क्योंकि मेरी परसनल प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है। लुनैटिक संदा मैड परसन कि मैं इस पागल व्यक्ति को रोकना चाहिए तो इसको गले तो पकड़ के साढ़े घर के गेट तो बाहर सुट देना चाहिए। बट आई एम वीक वैन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग। कहना लेकिन मैं दूजे लोगों फीलिंग्स नू हर्ट नहीं कर सकता सी इस करके मैं उसनु जो कर रहा सी उनु करन दिता। स्क्रूज हैव अ नॉक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एग्जैक्ट दैम एंड नाउ आई सी टू द चेन। कहते कि उसने सारे स्क्रूज नू फिक्स किया तो उस तो बाद चेन नू देख लग पिया। ही टाइटेड इट एंड टिल इट वुड नॉट मूव। कहते उसने उसने इन्ना टाइट कर दिता कि बिल्कुल भी मूव नहीं सी कर पा रही। नैक्सट ही लूजन इट एंड अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। कहते कि उस तो बाद उसने की किया दोबारा तो उसने इन्नी लूज कर दिता कि वह पहला वाले दिनों भी ज़्यादा बुरी हालत में हो गई। एंड दैन ही चेंज द सबजैक्ट अगेन वी बैटर थिंक एंड गैटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू द प्लेस अगेन। उस तो बाद इदा ही गलबात करते रहते हैं तो वह बच्चा कहता कि हूँ आप फ्रंट व्हील में दोबारा तो फिक्स करना चाहिए वा तो फ्रंट व्हील बारे गलां बातें करन लगे। आई हैड द फ्रॉक ओपन एंड ही वरिड विद द व्हील एंड एट द एंड 10 मिनट्स आई सुजेस्ट ही वुड होल्ड अ फ्रॉक एंड दैट आई वुड हैंडल द व्हील सो वी चेंज प्लेसिस। तो पहला जिहड़ा बच्चा है उस हैंडल नू पकड़ के रखता है तो यह व्यक्ति जिहड़ा व्हील नू ठीक करता है 10 मिनट बाद अपनी पोजिशन चेंज कर लेंदे ने क्योंकि बच्चा भी थक चुकया हुंदा है। At length we did get the things into position and the moment it was in position he burst out laughing. कहते कि थोड़े टाइम तो बाद असी सारी चीज़ों ने फिक्स कर लिया लेकिन जो असी फिक्स कर चुके से तो उस तो बाद बच्चे ने हंसना शुरू कर दिता। Then अपना प्रोटोकॉनस कहते हैं what was the joke? Well I am an ass. What led you the discovery? तो हूँ ये बच्चा जरा सोच के स्माइल करता है कि इन्हें कितना पता लग गया कि ये गधा है। ठीक है तो कहता कि अच्छा तो तेनों क्यों पता लग गया तेन कितना ये चीज़ डिस्कवर किया। वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। कहते आप सारा कुछ फिक्स करता लेकिन बॉल्स फिक्स की ही नहीं। आई लुक्ड फॉर माई हैट इट वॉज लाइंग टिप्सी टॉर्विंग इन द मिडल ऑफ द पाथ। कहना मैं अपनी हैट बारे देखना शुरू किया जिद मैं अपन बॉल्स इकट्ठी करके रखिया सी लेकिन वह धरती के उपर इदा हौच पौच पाई हुई तो सारे के सारे बॉल्स दोबारा तो खो चुकिया से। बट दैट डिड नॉट हैप डैम्पड हिज स्पिरिट एंड ही वॉज चीयरफुल डिस्पोजिशन। लेकिन इस चीज़ ने भी उसके हौसले को डिसकरेज नहीं किया वो हले भी उन्हें ही ज़्यादा उत्साह नाल अपना सारा काम कर रहा है। वैल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू द प्रोविडेंस। कहना कि असी दोबारा तो जिन्हें सानू बॉल्स लभिया उन्होंने इकट्ठियाँ कीतियाँ तो असी उम्मीद की कि इन बॉल्स साड़ी साइकिल जी दोबारा तो चल पे। वी फाइंड 11 एंड वी पिक 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर साइड। तो उन्होंने दोबारा 11 बॉल्स लभ लिया तो 6 जो फ्रंट व्हील्स पाई हैं तो 5 जो लास्ट व्हील के एंड आफ्टर हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन। इट नीडिड हार्डली टू एडिट दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ एंड अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट। कहते कि अद्धे घंटे बाद जड़ा व्हील सी दोबारा तो अपनी जगह दे विच आ चुकिया सी लेकिन इस बार जड़ा उसका हिलना सी उस दे हिलन नू एक बच्चा भी नोटिस कर रहा सी मतलब उसकी साइकिल पूरी तरह बिगड़ चुकी सी। इफ वुड डू फॉर द प्रेजेंट आई एम श्योर। तो वो एक दूजे नू मतलब हौसला दे रहे होंदे ने कि हाँ हुण साड़ी साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वॉचिंग यू डू दिस इट are real use to me, you know. It is not only your skills that fascinating me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopeful and that does me good. तो उस तो बाद बच्चा कहता है कि उसने इनकरेज करते कहता है कि तेरिया स्किल्स ने ही नहीं बल्कि तेरे कॉन्फिडेंस ने भी मैनू बहुत ज़्यादा
इनकरेज किया है क्योंकि जिन्ना हौसला तेरे विच है उन्ना हौसला किसी भी परसन दे विच नहीं हो सकता। डज इनकरेज ही सेट टू वर्क एंड फिक्स द गियर केस, कहते इस तो उसने इनकरेज होके गियर केस नू दोबारा तो बनना शुरू कर दिता। एंड ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्क फॉर द अदर साइड, कहने कि पिछले पहला उसने थक चुकिया सी, ठीक है साइकिल नू पढ़ना उसके लिए औखा सी, इसलिए उसने घर की दीवार नाल उसनू लगा के पहला काम करना शुरू किया। दैन उसनू एक ट्री के सहारे खड़ा के उसने काम करना स्टार्ट किया। दैन आई हेल्प टू इट, कहते उस तो बाद उस बच्चे ने भी उसकी बहुत हैल्प की। वो कदे वो बच्चा साइकिल को फड़ता सी, कदे साइकिल को फड़ता सी, फिर बच्चा नीचे पै के उसने साइकिल को ठीक करने की कोशिश की। दैन उसके सिर के उपर सारा का सारा ऑयल जोड़ा है वो सिर के उपर पै जाता है। तो उस तो बाद जो टैंपर है वो लूज़ होना शुरू होता है, तो वह जो साइकिल के उपर अपना गुस्सा करना शुरू कर देता है। एंड सबसीक्वेंटली ब्रीडिंग डी जनरेटेड इन टू लिटल ईवन दैन आ रफ एंड ट्रंबल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, कहते कि इदा लग रहा है कि एक बुरी फाइट हो रही है मशीन के बीच उस बच्चे के बीच। वन मूमेंट द साइकिल वुड हैव बीन ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, कहते कदे कदे लगता है कि साइकिल उपर है तो बच्चा नीचे है, तो कदे लगता है कि साइकिल नीचे है तो बच्चा उपर उस कुद रहा है। द नैक्सट पोजिशन वुड बी रिजर्वड ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड द बाईसाइकिल ऑन हिम, नाउ ही वुड स्टैंडिंग एंड फ्लरिशिंग विद विक्ट्री, कहते इदा करते करते बच्चा जोड़ा है वह विक्ट्री का साइन देन लग्या कि हाँ बाईसाइकिल बुरी की बुरी बन चुकी है। द बाईसाइकिल फर्मली फिक्सड बिटवीन हिज लैगस, तो उसने बाईसाइकिल अपने दोनों लैगस के फिक्स किया। बट इस ट्रम्पेट वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी जी इज्जत सी बिल्कुल छोटे जे समय की ही सी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इट सैल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम ही हिम हिट हिम विद शार्पली ओवर द हैड विद वन ऑफ हिज हैंडल्स, कहते उसकी जी विक्ट्री से छोटे टाइम की सी, तो दोबारा तो साइकिल जी बिगड़ जाती है जिदा ही वो हैंडल के उपर माड़ा जहाँ हाथ मारद, दोबारा तो सारा सारा साइकिल जोड़ा खिड़ना शुरू हो जाता है। एट अ क्वार्टर टू वन डर्टी एंड डिस हील्ड कट एंड ब्लीडिंग ही रोज एंड वाइट हिज बोज, कहते कि हम इन्नी ज़्यादा मेहनत करते हुए इन्ना थक चुके हैं कि उन्होंने पसीना आना शुरू होता, वो हाथों के उपर काफ़ी कट्स लग चुके होंगे। आई थिंक दैट विल डू, कहते इस तो बाद कहता है बच्चा है कि मेरे लगता है कि शायद अपना काम बन चुके हैं। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ टू इट विच ही हैड रिसीव्ड मच पनिशमेंट, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ दैन आई सेंड हिम होम, आई गेस दिस वुड हैव टू मशीन एंड हिज नोज एंड द थिंग्स गो ब्रस्ट, कहते उस तो बाद मैं उस बच्चे सी ऑफ किया, उसको घर भेज दिता, तो उस तो बाद अपनी साइकिल वाल देखा तो मैंने बहुत ही ज़्यादा पिटी महसूस हो रही थी। लेकिन उस बच्चे तो इदा ही लगे ना कि मैं वो साइकिल बिल्कुल ठीक कर दिती है, हूँ एहसान थले भी आ गया लेकिन साइकिल तो वो बुरी बिगड़ चुकी है। सो वट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, ईदर बी इग्नोरेंट और बी एक्सीलेंट, कहते अद्धी उधेरी नॉलेज जी हमेशा ही खतरनाक होंगी है, हमेशा ही डेंजरस होंगी है। या तो तुम इग्नोरेंट बनो, ठीक है ये दिखाओ कि थोड़ा कुछ पता ही नहीं है, या फिर एक्सीलेंट बनो उस काम के पूरी की पूरी महारत हासिल करो। दूसरी थोनों की शिक्षा मिलती है, लर्न टू से नो वैन एवर रिक्वायर्ड, कहते कि जिथे ना कहने की लड़ है उसे थोड़ा ना कहनी चाहिए है, अदरवाइज थोड़ा हाल भी इस साइकिल वर्गा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।